आप देख रहे पिटोंटो न्यूज। उपराष्ट्रपति की मिमिक्री के विरोध में भाजपाइयों ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और टीएमसी सांसद का पुतला फूंका। अब खबर विस्तार से। तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी के द्वारा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करने और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के द्वारा इस घटना की वीडियो बनाने के विरोध में सहारनपुर में आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जमकर प्रदर्शन और नारेबाजी करते हुए जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर दोनों पर कार्रवाई की मांग की। भाजपाइयों ने प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला फूंका। प्रदर्शन के दौरान राज्य मंत्री कुंवर विजय सिंह, विधायक देवेंद्र नीम, पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा, महापौर डॉक्टर अजय कुमार सिंह, पूर्व महापौर संजीव बालिया, भाजपा महानगर अध्यक्ष पुनीत त्यागी, पूर्व भाजपा महानगर अध्यक्ष राकेश जैन समेत कई भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी मुर्दाबाद के साथ साथ कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। राज्य मंत्री कुंवर विजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस किसानों का अपमान करती आई है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जाट समाज से आते हैं, किसान परिवार के ताल्लुकात रखते हैं। उनका अपमान तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी व कांग्रेस नेता राहुल गांधी के द्वारा किया गया। उसी विरोध में आज देश भर में भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रदर्शन किया। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस घटना को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। प्रदर्शन व ज्ञापन देने वालों में राज्य मंत्री कुंवर विजय सिंह, विधायक देवेंद्र नीम, पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा, महापौर डॉक्टर अजय कुमार सिंह, पूर्व महापौर संजीव बालिया, भाजपा के कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। सहारनपुर से महेश कुमार की खास रिपोर्ट। खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने और साथ में उनके साथी सांसद बनर्जी जी ने उपराष्ट्रपति जी का अपमान संसद के अंदर किया, और वो भी राज्यसभा के अंदर नकल उतार के, और एक अपने आप में एक चीज़ अपने आप में सामने आती है, उनकी मानसिकता यह है कि एक आम गरीब परिवार से कोई व्यक्ति उठकर ना आ जाए, एक ओबीसी समाज से व्यक्ति उठकर जो इस स्थान तक पहुंचा है वो ना आ जाए। उन्हें ये चीज़ें स्वीकार ही नहीं है कि कैसे कोई राष्ट्रपति बन सकता है एक आदिवासी, और कैसे एक उपराष्ट्रपति बन सकता है एक ओबीसी समाज से, गरीब खानदान से। ये लोग वो रहे हैं कि जिनको आज तक मानसिकता रही है कि रजवाड़े ही राज करते आए हैं, आज वो कुंठा वो पिपसा उनकी संसद के अंदर निकली और ये मानसिकता आज सारी जनता के सामने दिखाई दी है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इस चीज़ का विरोध करता है और लगातार विरोध करता रहेगा जब तक ये अपनी मानसिकता सुधार नहीं लेते, और इनकी अगर मानसिकता सुधरती नहीं है तो जनता उनको जवाब लगातार इसी प्रकार से देती रहेगी कि अब की तो उनके पास 42 सांसद रहे, अगर आने वाले टाइम के पास उनके 4 सांसद भी नहीं मिलने वाले, ये जवाब है। आप सबको ज्ञात है अभी 2-3 दिन पहले संसद के अंदर और देश के सबसे उच्च सदन राज्यसभा के अंदर कुछ सांसदों के कतिपय अमर्यादित व्यवहार के कारण राज्यसभा के माननीय उपसभापति के द्वारा कुछ सदस्यों का निलंबन किया गया था। राज्यसभा देश का उच्च सदन है, राज्यसभा का सभापति ही देश का उपराष्ट्रपति होता है। उनके निलंबन के बाद और लोकसभा के कुछ सांसदों के निलंबन के बाद किस प्रकार से उनके सहयोगी दल के एक सांसद ने देश के सबसे गरिमामय पद राज्यसभा के सभापति की नकल उतार कर जो घिनौना कृत्य किया है, और उससे भी बड़ी जो दुर्भाग्य की बात है वो ये है कि कांग्रेस के एक बड़े नेता जो अपने आप को उस दल का सर्वे सर्वा कहते हैं, जिनके खानदान और परिवार ने उस दल को लगातार 60-70 साल तक चलाने का काम किया है, उस दल के नेता ने उनको बजाय रोकने के उनको वीडियो बना करके उसको सर्कुलेट करने का काम किया है। ये लोग केवल इस अपने सभापति का अपमान नहीं कर रहे थे, उपराष्ट्रपति पद का ही अपमान नहीं कर रहे थे, इनको दर्द इस बात का है एक किसान का बेटा, एक राजस्थान की गौरवशाली जमीन पर जन्मे साधारण परिवार का बेटा, एक जाट समुदाय से आने वाला नेता इतने उच्च पद पर कैसे पहुँच गया, या इन सांसदों इनके दल के सांसदों को और इनके परिवार को ये हजम नहीं हो पाता है। इन्होंने सदैव इस प्रकार की मानसिकता का परिचय दिया है। इन्होंने एक किसान के बेटे का अपमान किया है, एक ओबीसी समाज के नेता का अपमान किया है। इससे पूर्व में जब देश की राष्ट्रपति पर एक आदिवासी देश की बेटी को बैठाने का काम एनडीए ने किया था, उनके बारे में भी इनके एक दल
के सांसद ने अभद्र मर्यादित भाषा का प्रयोग किया था, उसी के विरोध में आज देश भर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता अपने अपने जनपद में ज्ञापन देकर के राष्ट्रपति महोदय से मांग कर रहे हैं कि इन दोनों सांसदों की संसद सदस्यता रद्द की जाए।